NTAUGCNET यानि इमेजिनेट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास नेमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमिजी नेटवर्क। दोस्तों, आज हम रिसर्च के अंदर टाइप ऑफ डेटा मेजरमेंट स्केल के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर मुख्य रूप से नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो स्केल के बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों, अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोज देते हैं। इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग कर रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनल स्केल की। अब देखिए, नॉमिनल स्केल क्या होता है, यहाँ पे हमने इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है लेकिन हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में हिंदी में समझाएंगे। अब देखिए, नॉमिनल स्केल क्या होता है। नॉमिनल स्केल आर यूज्ड फॉर लेबलिंग वेरिएबल विदाउट एनी क्वांटिटेटिव वैल्यू। नॉमिनल स्केल के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे वेरिएबल है उनको हम लेवल के द्वारा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और उनकी जो क्वांटिटी है वो हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश नहीं करते। और देखिए, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के ज़रिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह के फॉर्म के अंदर आपको ऑप्शन काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। वो पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर जेंडर, हमें अपना जेंडर बताना है, मेल है हम फीमेल है। व्हाट इज़ योर हेयर कलर, हेयर कलर हमें बताना है। व्हाट वेयर यू लाइव, आप कहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो लेवल होते हैं, इस तरह के जो फॉर्म होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नॉमिनल स्केल कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हम क्वांटिटेटिव की बात नहीं करते, हम यहाँ पे क्वालिटी की बात करते, गुण पूछते हैं अगले का भी, आप में क्या गुण है, आप मेल है या फीमेल है। और आगे हम देखते हैं कि आगे इसके अंदर क्या होता है। ए गुड वे टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस इज दैट नॉमिनल साउंड ए लॉट लाइक नेम। अब देखिए, नॉमिनल स्केल को याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि यह नेम के जैसी साउंड आ रही है। इसके अंदर नेम और नॉमिनल यानी कि दोनों एक जैसे से है। एंड नॉमिनल स्केल आर काइंड ऑफ लाइक नेम और लेबल। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि नॉमिनल स्केल को हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम नेम या फिर लेवल के द्वारा रिप्रेजेंट करें उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल स्केल कहते हैं। और इसमें से कई क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, तो ये आप अच्छे से कर लेना। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप हमें मैसेज के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। आगे हम देखते दोस्तों कि आगे इसमें किस तरह के स्केल आते हैं। आगे आता है दोस्तों हमारे पास ऑर्डिनल स्केल। अब इसके अंदर क्या होता है, एन ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट लुक्स एट वेरिएबल वेयर द ऑर्डर मैटर व्हाट द डिफरेंस डू नॉट मैटर। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ऑर्डिनल स्केल के अंदर, इसके अंदर जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनके अंदर हम ऑर्डर डिफाइन करते हैं कि ये किस ऑर्डर का है, लेकिन उनके अंदर हमें ये नहीं पता कि डिफरेंस कितना है, किस चीज़ के अंदर कितना डिफरेंस है, ये हमें नहीं पता होता। अब देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पे देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल है, हाउ डू यू फील टुडे, आप आज कैसा फील कर रहे हैं, वेरी हैप्पी, अनहैप्पी, ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी। तो इस तरह के भी आपने स्किल देखे होंगे, फॉर्म देखे होंगे जिनके अंदर हमें फीडबैक जब दिया जाता है तो तब आते हैं। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों, हमें ये नहीं पता होता कि अब इन दोनों के अंदर, एक और दो के अंदर कितना डिफरेंस है, और हैप्पी और वेरी हैप्पी के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, तो ये हम मेज़र नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम एक ऑर्डर डिफाइन कर देते हैं, जैसे नंबर एक पे वेरी हैप्पी, नंबर दो पे अनहैप्पी, नंबर तीन पे ओके, इस तरीके से। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये ज़्यादातर जो शॉपिंग वेबसाइट होती है वहाँ पे फीडबैक लिया जाता है, हाउ सेटिस्फाई आर यू विद आवर सर्विस, वेरी अनसेटिस्फाई, सम वट अनसेटिस्फाई, इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। और
इनके अंदर वही बात है जो मैंने बताई है कि इसके अंदर जो डिफरेंस है वो हमें नहीं पता होता कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, केवल हमें ऑर्डर का पता होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे किस तरह का आता है हमारे पास। आगे आते हैं दोस्तों, इंटरवल स्केल आता है। अब देखिए, इंटरवल स्केल के अंदर क्या होता है, इंटरवल स्केल आर न्यूमेरिकल स्केल इन विच वी नो बोथ द ऑर्डर एंड द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज़। अब देखिए, इंटरवल स्केल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ऑर्डर भी होता है, दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, एक तो ऑर्डर होता है प्लस में हमें इसके अंदर डिफरेंस पता होता है कि कितना डिफरेंस है। अब देखिए इसे भी हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने एक तापमान मापने का स्केल लिया है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जैसे 20 और 30 के अंदर कितना डिफरेंस है, 50 और 60 के अंदर कितना डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे हमें ऑर्डर के साथ साथ इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटरवल स्केल कहेंगे। यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं इसे। अब देखिए, सबसे लास्ट में आता है हमारे पास रेशो स्केल। रेशो स्केल आर द अल्टीमेट निर्वाणा व्हेन इट कम टू डेटा मेजरमेंट स्केल बिकॉज दे टेल अस अबाउट द ऑर्डर। अब देखिए, मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। रेशो स्केल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम ऑर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं, लेवल भी डिफाइन कर सकते हैं, सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम एक एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट जीरो के बारे में भी जिक्र करते हैं। अब देखिए, इसका मतलब क्या है, दे टेल एस द एग्जैक्ट वैल्यू बिटवीन यूनिट्स एंड दे आल्सो हैव एन एब्सोल्यूट जीरो। इसका मतलब क्या है कि जो रेशो स्केल होता है दोस्तों, उसके अंदर हम एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन करते हैं कि कितना है जो हम स्केल होता है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। अभी देखिए, जो इंटरवल स्केल है, इंटरवल स्केल के अंदर आप कहीं भी देख लेना, इनके अंदर आपको 10-10 का अंतर मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो रेशो स्केल होता है, रेशो स्केल के अंदर हम एक एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम कोई भी चीज़ रखेंगे इसके ऊपर तो ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू बता देगा कि ये 9 किलो 50 ग्राम या इतना है, जो भी है एग्जैक्ट वैल्यू हमें बताएगा। और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम एब्सोल्यूट जीरो के बारे में भी जिक्र करते हैं, यानी कि ये जीरो भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और इसके अंदर यही एक क्वेश्चन आया था अभी, जो पिछले क्वेश्चन था कि एब्सोल्यूट जीरो के बारे में कौन से स्केल के अंदर जिक्र किया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है। अब देखिए कि जो नॉमिनल स्केल है, उसके अंदर हम केवल लेवल की बात करते हैं, केवल लेवल की बात करेंगे, ठीक है। और जो ऑर्डिनल स्केल है, उसके अंदर हमारे पास लेवल भी होगा और प्लस में ऑर्डर भी होगा, ठीक है। और जो तीसरा जो स्केल होगा दोस्तों, इंटरवल स्केल होगा, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, लेवल भी होगा, ऑर्डर भी होगा और एग्जैक्ट डिफरेंस भी हमारे पास होगा, इसके अंदर तीनों की तीनों चीज़ें होंगी। और जो चौथा जो होगा दोस्तों, इसके अंदर हमारे पास लेवल भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है और एग्जैक्ट डिफरेंस भी हो सकता है, यानी कि इसके अंदर तीनों चीज़ें हो सकती है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा स्केल है जिसके अंदर नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल के गुण हो, तो वो क्या होगा, इंटरवल स्केल होगा। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।